तुम अपने बाबा को फोन करो, कहो कि शोक के 3 दिन पूरे हो गए। जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आपसे माफी मांग ली थी, आप मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? क्योंकि इस घर की ये रिवायत है कि किसी का कसूर हो या ना हो, अगर फैसला सुना दिया जाए तो कबूल करना पड़ता है। इस घर की एक और रिवायत जो मैं भी जान गई हूं, इस घर में कोई जितना भी जलील हो, रुसवा क्यों ना हो जाए, मगर कोई घर छोड़ के नहीं जाता, ये मैंने आपसे सीखा। आप कहती हैं तो मैं बाबा को कॉल कर देती हूं, मगर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अगर है अंधेरा तो आगे सवेरा नजर नहीं, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे किसी मामले में। बहुत शिकायतें हैं ना तुम्हें अपने बाबा से, अब किसी नई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ताईजान, बाबा फोन नहीं उठा रहे। दोबारा कोशिश करो। वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करेंगे, नाराज है मुझसे। नहीं, मामा से कहो ना कि बात करें उससे, ताकि वो इधर आए और इस औरत को और इसकी बेटी को निकालें यहाँ से, वरना वरना क्या वरना तुम अपनी वापसी का भी इंतजाम करो। माँ सुने, अम्मा क्या हुआ? बड़ी अम्मी इशल भाभी से कह रही, चाचा का फोन लगा है, वो आए और हमें यहाँ से निकालें। माँ क्या सोच रही है? यही कि अगर इन लोगों ने हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तुम क्या करेंगे। खैर, जाने वाली तो मैं हूं नहीं यहाँ से। और सुन, क्या जरूरत है तुझे फरीद पे पानी फेंकने की? है? अब छोटी सी बात कहां से कहां चली गई है। हाँ ना,